Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम लोग डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर बात करने जा रहे हैं। बहुत से लोग जो डेली मुझसे सवालात पूछते हैं, मैं उन्हीं सवालात से रिलेटेड टॉपिक्स पे वीडियो बना रहा हूँ आजकल, क्योंकि वो सवालात जो है जेन्युइन सवालात होते हैं, जो सिर्फ स्पेसिफिक लोगों के नहीं होते, बल्कि ये सब लोगों के काम आएंगे। इन सवालात से रिलेटेड जो मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ, ये सबके काम आएंगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, एक दोस्त ने पूछा था अकाउंट्स के हवाले से, अकाउंट्स की जॉब के हवाले से। मैं कल की वीडियो में भी बता चुका था, आज फिर से मैं बताता हूँ। देखो, यूएई में या गल्फ कंट्रीज़ में जो अकाउंट्स की जॉब है, उनकी सबसे जो इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है वो है टेली। टेली एक सॉफ्टवेयर है, ज़्यादातर काम जो है वो टेली पे किया जाता है। नंबर दो, जो गल्फ कंट्रीज़ में अकाउंटेंट्स की रिक्वायरमेंट है, उसमें ज़्यादातर जो प्रेफर किया जाता है वो इंडियंस को किया जाता है। इंडियंस को ज़्यादातर प्रेफर किया जाता है, क्योंकि वो कैलकुलेशन में हिसाब किताब में तेज़ होते हैं। तो जो एक्सपीरियंस लोग हैं, जिनको अकाउंट्स का एक्सपीरियंस है, इंडिया से बिलोंग करते हैं, पाकिस्तानियों को भी लेते हैं, लेकिन ज़्यादा प्रेफर जो किया जाता है वो इंडियंस को किया जाता है। इंडियंस को करते हैं, बाद में फिर वो फिलिपिनीज को प्रेफर करते हैं अकाउंट्स की जॉब से रिलेटेड। तो जो भी लोग अकाउंट से रिलेटेड हैं वो अप्लाई कर सकते हैं यूएई में। जो इंडिया से हैं उनको चांस मिलता है, टेली की नॉलेज है जिनके पास। उसके बाद एक दोस्त ने सवाल पूछा था ऑफशोर कंपनी के बारे में, एक वीडियो बनाए ऑफशोर कंपनीज के बारे में बताएं। तो भाई, ऑफशोर कंपनी डिफरेंट किस्म की होती हैं, कौन सी ऑफशोर कंपनी के बारे में आप पूछना चाहते हैं? एक ऑफशोर कंपनीज होती हैं, लोग आते हैं वो इन्वेस्टमेंट के लिए बनाते हैं, ऑफशोर कंपनी बना दी, काम उसमें कोई नहीं करते वो लोग, बस वो इन्वेस्टमेंट के लिए, पैसा इधर से उधर करने के लिए, प्रॉपर्टीज़ लेने के लिए ऑफशोर कंपनीज़ बनाते हैं, उसको भी ऑफशोर कहा जाता है। और दूसरी ऑफशोर कंपनीज़ होती हैं जो ऑयल एंड गैस से रिलेटेड होती हैं, जिनकी ऑफशोर ऑयल फील्ड्स होती हैं या ऑफशोर गैस फील्ड्स होती हैं। शायद आपका सवाल ऑयल एंड गैस से रिलेटेड है। तो ऑफशोर वो कंपनीज़ होती हैं जो वो फील्ड्स होती हैं जो समंदर के अंदर होती हैं, जो जहाँ जाना इजी नहीं होता है, तो उनको ऑफशोर कहा जाता है। अब आबू धाबी में ज़्यादातर ऑफशोर फील्ड्स हैं, ऑयल फील्ड्स हैं, वो जज़ीरों पे, आइलैंड्स पे, उसको ऑफशोर कहा जाता है। तो वहाँ पे क्या सिस्टम होता है, वहाँ पे सिस्टम ये होता है कि मेरे ख्याल में 45 डेज़ वहाँ पे काम करना होता है और 20-25 दिन वहाँ पे छुट्टी होती है बंदे की, ठीक है। सैलरीज बहुत अच्छी होती हैं और HSE को फॉलो किया जाता है। सबसे ज़्यादा HSE पॉलिसीज़ जो इम्प्लीमेंट होती हैं वो ऑयल एंड गैस सेक्टर में होती हैं, तो बहुत ज़्यादा अच्छा काम होता है। रिस्क होता है थोड़ा सा, वो आप आउट हो जाते हो, सिटी से आउट हो जाते हो, आप जाके जज़ीरे में आपको रहना पड़ता है, आइलैंड पे आपको जाके रहना पड़ता है। तो उस हिसाब से सैलरीज़ बहुत अच्छी होती हैं ऑयल एंड गैस की, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जाता है, ठीक है। तो जो ऑयल एंड गैस सेक्टर है यूएई में, वहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट जो रिक्वायरमेंट है वो है गल्फ एक्सपीरियंस, ठीक है। गल्फ़ एक्सपीरियंस को जो है वो काउंट किया जाता है। कोई भी जॉब्स आती हैं उसमें वो लोग गल्फ़ एक्सपीरियंस मांगते हैं ऑयल एंड गैस सेक्टर का। अब आप सोचेंगे कि ऑयल एंड गैस सेक्टर का गल्फ़ एक्सपीरियंस कहाँ से आया? भाई, जो इंडिया में या पाकिस्तान में, बांग्लादेश में या किसी भी कंट्री में जो ऑयल एंड गैस सेक्टर है, जहाँ ऑयल एंड गैस फील्ड्स हैं, जहाँ पे वो लोग काम करते हैं, तो वहाँ पे चांस मिलते हैं बहुत। वो से ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो शट डाउन के जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पकड़ते हैं गल्फ कंट्रीज़ में, ठीक है, लोगों को वहाँ भेज रहे होते हैं। और मल्टीनेशनल कंपनीज इन्वॉल्व होती हैं, कहीं भी आप पाकिस्तान में ऑयल फील्ड्स में चले जाएँ, गैस फील्ड्स में चले जाएँ, तो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, उनके डिफरेंट कंट्रीज़ में जो है वो प्रोजेक्ट्स होते हैं। मैं ख़ुद भी ऑयल एंड गैस में काम कर चुका हूँ, एज अ साइट एडमिनिस्ट्रेटर था मैं, काफ़ी साल पहले की बात है, पाकिस्तान में। तो जिस कंपनी में मैं काम करता था वो ENI थी, ENI OMV वगैरह, तो इसका मुझे काफ़ी नॉलेज है इसके बारे में। तो होता ये है कि कुछ लोग अभी वीडियोस बना के ना कुछ
अजीब अजीब बातें कर रहे होते हैं ऑयल एंड गैस के बारे में, पता नहीं ऑयल फील्ड के बारे में बात कर रहे होते हैं या कुकिंग ऑयल बनाने की कंपनीज के बारे में बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे वो बता रहे हैं कि वो गैलन्स वगैरह उठाने पड़ते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, हाई स्टैंडर्ड होता है ऑयल एंड गैस कंपनीज के अंदर, ऑफशोर हों या ऑनशोर हों, हाई स्टैंडर्ड होता है। कोई वहाँ पे आपको मैन्युअली जाके गैलन्स नहीं उठाने वाला, गैलन्स में ऑयल नहीं निकाला जाता। तो बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो HSC के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो किया जाता है। HSC हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट जिसको बोला जाता है, ठीक है, उसको फॉलो किया जाता है। उस HSC ऑफिसर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं वहाँ पे, वो हर चीज़ पे नज़र रख रहे होते हैं। ज़्यादातर वहाँ पे आपको फॉरेनर्स मिलेंगे बड़ी बड़ी पोस्टों पे, ठीक है, अंग्रेज़ लोग मिलेंगे आपको, यूरोपियंस मिलेंगे वहाँ पे। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त सेक्टर है, इसमें जिसको जॉब मिलती है समझ लीजिए कि वो माला माल हो जाता है, क्योंकि बहुत सैलरीज बहुत अच्छी होती हैं, खाना वहाँ पे आपको मिलता है, अच्छी क्वालिटी का खाना मिलता है, अकोमोडेशन वहाँ पे होती है, हर चीज़ आपको मिलती है, इवन आपके कपड़े भी आपको वॉश करके मिलते हैं वहाँ पे, जो ऑयल एंड गैस सेक्टर से रिलेटेड जो जॉब्स हैं, ठीक है। उसमें फिर कुछ सब कॉन्ट्रैक्टर भी वहाँ पे काम कर रहे होते हैं, तो बहुत अच्छी जॉब्स होती हैं, लेकिन उसके लिए एक्सपीरियंस लाजमी उनको चाहिए होता है ऑयल एंड गैस सेक्टर से रिलेटेड। और ज़्यादातर गल्फ़ कंट्रीज़ में जो ऑयल एंड गैस सेक्टर से रिलेटेड जॉब्स हैं उसके लिए गल्फ़ का एक्सपीरियंस मांगते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक दोस्त ने पूछा था मैकेनिकल डिप्लोमा है उनके पास, तो भाई जिसके पास भी डिप्लोमाज हैं, जिसके पास भी टेक्निकल एजुकेशन है, उनके लिए हर जगह जॉब्स होती हैं। ये बात आप अपने माइंड में रखें, आप जितना टेक्निकल बंदे हैं आपके लिए जॉब्स की कमी नहीं है, बस ये है कि आपको सही तरीके से उसको सर्च करना है, अच्छे तरीके से सर्च करना है, सही जगह जाके आपको उसको सर्च करना है। टेक्निकल बंदा कभी भी फ्री नहीं बैठता, बेरोज़गार नहीं बैठता, ये बात आप अपने माइंड में रख लीजिए। जो भी जिसके पास भी टेक्निकल एजुकेशन है उसके पास जॉब ज़रूर होगी, जॉब नहीं होगी तो अपना खुद का काम भी करके अपना जो है वो लाइफ साइकिल चला सकता है अच्छे से। तो इस बात को, ये एक मेरी टिप भी है उन लोगों के लिए जो जिनकी अभी एज कम है, तो कम से कम आप टेक्निकल साइड जाएं, टेक्निकल कोर्सेज करें कुछ, और अपना जो है वो टाइम टेक्निकल एजुकेशन हासिल करने में लगाएं। थोड़ा 1 साल 2 साल 3 साल का आप जो है वो डिप्लोमास कीजिए और थोड़ा एक्सपीरियंस लीजिए। टेक्निकल बंदों के लिए जॉब्स की कमी नहीं होती, कहीं भी दुनिया भर में उनके लिए जॉब्स होती हैं, कहीं भी आपको चांस मिल सकता है। और जो लोग अभी जिनकी एज ज़्यादा हो चुकी है और उनकी जो बच्चे हैं वो अपने बच्चों को जो है वो टेक्निकल साइड लेके जाएं, ठीक है, रेगुलर एजुकेशन तो मस्ट है, वो तो आप दिलवाएं अपने बच्चों को, कम से कम बैचलर्स उनको करवाएं, ठीक है, उसके साथ साथ उनको कोई टेक्निकल साइड भी आप उनको भेजें, टेक्निकल डिप्लोमास भी उनको करवाएं, ताकि वो उनके फ्यूचर में उनको बहुत ज़्यादा काम आएंगे, ठीक है। कभी भी टेक्निकल बंदा फ्री नहीं बैठता, ये बात आप मेरी नोट कर लीजिए, दुनिया में हर जगह टेक्निकल बंदों के लिए चांसेस होते हैं जॉब हासिल करने के या काम हासिल करने के। बहुत से बंदे UAE में आते हैं, वीज़ा लेते हैं, वो जिसको आज़ाद वीज़ा कहते हैं, आज़ाद वीज़ा को कॉन्सेप्ट नहीं होता, लेकिन वो एक वीज़ा लेते हैं कंपनी से, वहाँ पे काम नहीं करते, वो फिर अपना प्राइवेट काम कर रहे होते हैं, अपने लिंक्स से रिलेटेड काम पकड़ते हैं, टेक्निकल बंदे हैं वो, फिर वहाँ से पैसा कमा रहे हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, लेकिन ये लीगल नहीं है, तो इसका मैं मशवरा नहीं दूंगा ऐसा करने का, लेकिन एक मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ कि ऐसा भी करते हैं लोग, ठीक है। तो टेक्निकल साइड जो भी बंदे जाना चाहते हैं वो टेक्निकल फील्ड में अपने बच्चों को भी टेक्निकल फील्ड में भेजें, उनको टेक्निकल एजुकेशन हासिल करने के लिए उनको आगे भेजें, ताकि उनके पास स्किल्स आएँ, जितनी स्किल्स होंगी उतना ज़्यादा वो लोग कामयाब रहेंगे। टेक्निकल लोग ज़्यादा कामयाब रहते हैं UAE में, या तो आपके पास हाई लेवल की डिग्रीज होनी चाहिए, नहीं तो आपके पास कोई टेक्निकल स्किल्स होनी चाहिए, तो आप अच्छी सैलरी जो है वो हासिल कर सकते हैं, ठीक है। अभी आगे मैं नेक्स्ट वीडियोस में जो है वो आपको कुछ दूसरी कंट्रीज़ के बारे में भी बताऊंगा, कनाडा, अमेरिका,
जो ड्राइवर हज़र आते हैं उनको मैं बताऊंगा कि किस तरीके से जो बड़े ट्रक ड्राइवर्स होते हैं, बस ड्राइवर्स होते हैं, वो किस तरह कनाडा वगैरह जा सकते हैं, यूएई के जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंसेस हैं, या जो यूएई में काम गल्फ कंट्रीज़ का जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है वो किस तरीके से कनाडा वगैरह जा सकते हैं, जहाँ पे उनको अच्छी जॉब ऑफर होती हैं, एक प्लस पॉइंट है उनके लिए, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, जा सकते हैं, लेकिन ख़र्चा होता है, ख़र्चा काफ़ी होता है। तो उससे रिलेटेड भी मैं वीडियोस बनाऊंगा, यूरोप से रिलेटेड भी मैं वीडियोस बनाऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियोस में मैं इन टॉपिक्स पे भी बात करूंगा। और कोई भी सवाल आ तो आप बिला झिझक मुझसे जो है वो कमेंट्स में लिख के पूछा तो नहीं, कमेंट्स में नहीं पूछते तो आप ज़्यादा कोशिश किया करें कमेंट्स में मुझे सवाल किया करें, ठीक है? तो उससे क्या होता है कि एक वीडियो बनाने का मौका मिलता है मुझे। व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मैं आपको रिप्लाई करता हूँ, सबको रिप्लाई करता हूँ, व्हाट्सएप पे भी जो मुझे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको भी मैं रिप्लाई कर रहा होता हूँ। नेक्स्ट मैं आपको सैलरीज के बारे में बताऊँगा, एक न्यूज़ है कि सैलरीज इंक्रीज होने का कुछ चांस है यूएई में, गवर्नमेंट की तरफ से एक रूल आ रहा है, उसके बारे में मैं एक वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि अभी टैक्स वगैरह इम्प्लीमेंट हो चुके हैं यूएई के अंदर, ठीक है? अब एक नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगा थोड़ा लेबर के जो है वो राइट्स के बारे में, ठीक है? एक दोस्त ने पूछा था सवाल लेबर राइट्स के बारे में, यूएई में लेबर के क्या हकूक हैं, क्या राइट्स हैं, उस पर मैं अपनी एक नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा। तो इस वीडियो को यहीं पे हम ख़त्म करेंगे, फिर मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।